साइबर टेस्ट की अगर कंडीशन अप्लाई हो पाएगा वहां कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास वैसा? सर वन बाई वन पे तो ठीक है, लेकिन सर अगर साइमल निकालें दोनों सॉल्व किया था ना मैंने साइमल्टेनियसली, मतलब वही था साइमल्टेनियसली, मतलब जो पहला केस था ना साइमल्टेनियसली वाला वही केस हो गया जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस था। एक था ना क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस, हाँ तो वही साइमल्टेनियस वाला अगर केस होगा तो मतलब वो बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। जब दो बॉल को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जब आपको साइमल्टेनियस बात करे टू बॉल्स एट रैंडम तो मतलब वो जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस था ना एनसीआर वाला, क्या लिखा था मैंने 4C2 अपॉन ऐसा कुछ ना, हाँ 10C2, तो वही आंसर हो जाएगा सेम। हाँ जी, तो इनके डाउट्स बताइए। तो मेरा एक छोटा डाउट था, जी पूछिए। ऑपरेशन है उसमें क्या कंडीशन है कि एक सीक्वेंस है वो मोनोटोन डिक्रीज होना चाहिए और पहली बात तो आपकी साउंड इतनी अच्छी कैसे आ जा रही है, पहले साउंड पता ही नहीं चलता था मुझे, डिवाइस चेंज किया गया। तो उसमें आप कह रहे कि अगर इन क्या उसमें क्या था, डिक्रीजिंग की जगह अल्टीमेटली डिक्रीजिंग, हाँ कर सकते हैं। तो वो आगे की उस टर्म की बात तो कर ही सकते हैं, बाकी टर्म्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे A1 B1 A2 B2 A3 B3, मान लो 100 टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो A1 A2 A3 A4 है ना, इस तरह से A1 A100 B100, तो ये अगर फाइनाइट नंबर है तो ओके है, तो आगे के टर्म पे हम थ्योरम लगा लेंगे, कर सकते हैं। हाँ जी अमित, आपने क्वेश्चन भेजा है ना, तो उसमें हाँ चल जाएगा, चल जाएगा। तो हाँ नहीं, आपका आपका जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोलिक क्यों यूज करेंगे, छोड़िए ना, बिना हाइपरबोलिक का हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक यूज करने का क्या मतलब है, यहाँ इसने आपको दिया है कि एक्स एमजीएफ है, तो मुझे बताओ चेबी सेफ्स इनक्वालिटी यूज करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, मीन और वेरियंस, तो क्या यस एमजीएफ से आप मीन वेरियंस निकाल पाएंगे? तो बस हो तो गया, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये आपका एम जी एफ है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, और ये आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मॉड एक्स मोर देन, है ना, मतलब ये नहीं सोचा जो आपको आता वही करना, आप सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी, पूछ रहा है कि अपर बाउंड क्या होगा, तो अपर बाउंड का मतलब है लेस देन इक्वल टू, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि चेबीशेव इनइक्वालिटी से ये क्या आएगा। तो आप यहाँ से इस एम जी एफ से मीन निकाल सकते हो ना, एक बार डिफ्रेंशिएट करके टी को जीरो कर दो आ जाएगा, फिर दो बार डिफरेंशिएट करना चाहो तो वो कर सकते हो, नहीं तो आसान तरीका है ये डिस्क्रीट का एमजीएफ है, मुझे दिख रहा है A+B का होल स्क्वायर आता है आपको, अगर आप A+B का होल स्क्वायर लगा लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तो 1/4 बाहर आ जाएगी, e की पावर t e की पावर -t +2ab (2e की पावर 0t) यही बनेगी ना, तो ये एमजीएफ आ गया आपके पास, एमजीएफ से पीएमएफ आ गया, एक्स की वैल्यू 0, 1 और -1 है, 0 पे प्रोबेबिलिटी 2/4, 1 पे 1/4, -1 पे 1/4, तो यहाँ से आप मीन निकाल पाओगे, यहाँ से भी मीन निकाल सकते हो आप, सो यहाँ से ई एक्स आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर जब निकालोगे आप दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो 1/4 + 1/4 1/2 आ जाएगा, सो हो गया ई एक्स स्क्वायर, अगर आ गया तो वेरियंस यही हो जाएगा क्योंकि मीन 0 है, सो वेरियंस 1/2 आ गया, तो आप लगाओ इसको क्या बोलता है ये, सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू
मोर देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर है 1/2 बाई के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, हो गया तो ये 1/2 इंटू 3/2 तो आंसर 3/4 आ गया, देख लीजिए 3/4 होगा 0.75। ना या तो इससे ही कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच इससे अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट करके टी को जीरो पुट कीजिए ई एक्स आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए टी को जीरो पुट कीजिए ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से भी करेंगे तो ये जीरो आएगा, ये 1/2 आएगा, सो ये वेरियंस एक्स हो गया 1/2, तो ये ना करेंगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, तो ये कर सकते हैं आप, तो डिफरेंशिएट करके भी किया जा सकता है, दूसरा तरीका पी एम एफ निकाल के किया जा सकता है, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है जी देख लीजिए। तो हाँ जी अमन तुम्हारा ये कि तो एक मिनट, तो 1/1 इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछा है।